हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन हेयर मास्क। अगर आपके बाल छोटे हैं, बाल जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बालों में शाइन नहीं है, बाल बहुत ही रफ, ड्राई और डैमेज हो चुके हैं, तो आपको ये प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट को एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। और साथ ही इस प्रोटीन हेयर मास्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके बालों के लिए। ये आपके हेयर ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ ये आपके बालों को घना भी बनाएगा, आपके बालों में एक नेचुरल शाइन लाएगा, चमक लाएगा और आपके बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लेना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे बहुत सारे होम रेमेडी देखने के लिए। तो हेयर मास्क बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो है 4 से 5 चम्मच दही, 1 केला, 4 चम्मच फ्लैक्सीड जेल और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए, ये बहुत ही मैजिकल वर्क करता है हमारे बालों में। नेक्स्ट आपको लेना है एक मिक्सर जार, और उसमें इन सारी चीज़ों को डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमारा पैक है वो पीसने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब आपको लेना है एक छन्नी और उसको इस तरीके से डाल करके छान लेना है ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हो वो निकल जाए। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का निकला है और ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। तो ये जो हमारा पैक है ये रेडी है यूज करने के लिए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना, उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन करते हुए आप अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना, कुछ इस तरीका से स्कैल्प से लेकर के लेंथ तक अपने बालों में अच्छे से लगा लेना। और लगाने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए अपने बालों में ऐसे ही रहने देना। एक घंटे बाद बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना और अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने देना। फर्स्ट यूज में आपके बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अगर हम बात करें हेयर ग्रोथ की तो वो एक बार की लगाने में तो नहीं होगा, आप इसको रेगुलर वीक में एक बार कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक यूज करो, आपको फर्क खुद नजर आएगा कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। आई होप आपको ये छोटी सी रेमेडी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो ऐसे बहुत सारे इजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए।